इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जब पृथ्वी पर अजीब तरीके के नेचुरल चेंजेस होने लगे थे, लेकिन वातावरण में होने वाले ये चेंजेस भारी मात्रा में इंसानों के शरीर पर प्रभाव डाल रहे थे। समय समय पर नेचुरल डिजास्टर्स आने के कारण सभी लोग काफी डर गए थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि पृथ्वी पर अब कोई भी रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहा था, यानी कि अब पृथ्वी पर जितने भी लोग बचे हुए थे वही आखिरी होते हैं। इसके आगे वो सब अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। पृथ्वी पर मौजूद सारी लेडीज और लड़कियां फर्टाइल नहीं हो पा रही थीं, और यही सेम टू सेम मेल्स के ऊपर हो रहा था, जिससे कि वो सब रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते थे। इसी बात से सारे देशों की गवर्नमेंट भी परेशान होती है। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि इस नेचुरल डिजास्टर्स का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। अब हमें एक कॉफी शॉप में बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो किसी न्यूज को देख रहे थे। वहां पर कियो नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि कॉफी मांग रहा था, लेकिन जब उसने भी न्यूज की तरफ देखा तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। असल न्यूज में बताया जा रहा था कि इतने समय बाद एक कपल को बच्चा पैदा हुआ होता है, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं कैसी अनजान बीमारी हो चुकी थी जो 2 महीनों के अंदर ही मारा जाता है। ये न्यूज सुनकर सभी लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि उन्हें जरा भी होप नहीं थी कि आगे वो सरवाइव कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब तो उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली। लेकिन पता नहीं कियो को इन बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए वो अपनी कॉफी लेकर शॉप से दूर चला जाता है। कियो जैसे ही थोड़ी दूर पर पहुंचा, अचानक एक बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इसका असर कई किलोमीटर की दूरी तक महसूस किया जा सकता था, और ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने किया होता है। दरअसल पॉपुलेशन ना बढ़ने की वजह से सभी देश वाले बहुत ही घबरा गए थे। उन सभी ने अपने सारे बॉर्डर्स ओपन कर दिए होते हैं, जिससे कि कई और लोग उनके देश में आकर शामिल हो जाएं। अगर उनके देश की जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो वो पावरफुल रहेंगे, लेकिन सरकार द्वारा डिसाइड की गई ये बातें मिलिट्री फोर्सेस को एक्सेप्टेड नहीं थी। हर देश के मिलिट्री वाले दूसरे देश से आने वाले सिटीजंस को या तो मार दे रहे थे या फिर वापस भेज दे रहे थे। सभी लोगों की आइडेंटिटी काफी अच्छी तरीके से चेक की जा रही थी, साथ ही साथ सिटीजंस की फर्टिलिटी को भी चेक करना मैंडेटरी हो गया था। चारों तरफ दंगे फसाद होने लगे थे, वो भी टेररिस्ट के आने के कारण, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स का मानना था कि ये पृथ्वी और इंसानी सभ्यता का अंत है, इसीलिए हमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए और इंसानी सभ्यता को खत्म करना चाहिए। लेकिन उन सभी टेररिस्ट को पता ही नहीं था कि उन सभी का ब्रेन वॉश किया गया है। अब अगले दिन कियो अपने ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। ऑफिस में तो सारे लोग उसी बच्चे की न्यूज देखकर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन कियो के ऊपर तो इस बात का जरा भी नहीं फर्क पड़ता। अब कियो अपने कंपनी के बॉस के पास जाकर ये कहता है कि मुझे घर से काम करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि बाहर की तरफ काफी ज्यादा दंगे फसाद होने के कारण वो ऑफिस ठीक से नहीं आ पा रहा है, जिसके बाद कियो वहाँ से निकल गया था। अब कुछ देर बाद वो अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त जैस्पर से मिलता है, जो अपने घर में ड्रग्स बनाने का काम किया करता था। जैस्पर तो कियो को अपने घर पर लेकर जाता है अपनी वाइफ जेनी से मिलाने के लिए। जेनी काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उसे अजीब तरीके की बीमारी हो जाती है, जिससे कि पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। जैस्पर के घर की एक दीवारों पर कई सारे फोटोज लगाए गए थे, जो और किसी के नहीं बल्कि कियो और उसकी एक्स वाइफ जूलियन की होती है। कुछ समय पहले कियो और जूलियन एक दूसरे के साथ रहा करते थे और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन उनका बच्चा भी अनजान तरीके से मारा गया, इसीलिए जूलियन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कियो से दूरियां बना ली। तब से ही कियो अपनी पूरी जिंदगी में अकेला है। अब कियो काम खत्म होने के बाद जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसके ऊपर किसी टेररिस्ट के ग्रुप ने हमला कर दिया होता है, जो उसे वैन में बिठाकर कहीं लेकर जा रहे थे। कियो के चेहरे पर काला कपड़ा लगाया गया था, जिससे कि उसे लोकेशन के बारे में पता न चल सके। थोड़ी देर में एक सेफ जगह पर पहुंचने के बाद कियो के ऊपर से काला कपड़ा हटाया गया। कियो देखता है कि उसके ठीक सामने टेररिस्ट का बड़ा सा ग्रुप है और उसकी वाइफ जूलियन भी मौजूद है, जो इन टेररिस्ट ग्रुप की लीडर थी। यहाँ जूलियन अपने एक्स हस्बैंड कियो से बात कर रही होती है कि देशों के बीच बॉर्डर्स हटने की वजह से कई दूसरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उसी तरीके से एक लेडी यहाँ पर फंस चुकी है, जिसे कि मिलिट्री वालों ने पकड़ा था। इसीलिए जूलियन और उसकी पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस लेडी की मदद करना चाहती थी उसके देश में भेजने के लिए, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर दिखाने के लिए कुछ लीगल पेपर्स चाहिए, जो कि तुम ही बना सकते हो, क्योंकि कियो का एक कजिन पार्लियामेंट में काम किया करता था और अगर वो चाहे तो नकली पेपर्स बना सकता है। इसीलिए जूलियन कियो से कह रही थी कि तुम सारे नकली पेपर्स उस लेडी के लिए बना दो, जिससे कि वो अपने घर वापस जा सके। कियो को अपना डिसीजन लेने के लिए आजाद कर दिया गया था, लेकिन कियो थोड़ी देर तक सोचने के बाद इस बात के लिए मानता ही नहीं। हालांकि जूलिया ने उसे काफी सारे पैसे देने का भी वादा किया, लेकिन कियो को पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वो तो जूलियन के इरादों को सीधा मना कर देता है, जिसके बाद जूलियन ने गुस्से में आकर अपने आदमियों को कह दिया कि तुम इसे वापस भेज दो। सभी लोगों ने कियो को पकड़कर वापस वैन में भेज दिया था और उसके हाथ में एक पेपर
पेपर दे दिया। जूलियन कियो से कह रही थी कि अगर आगे चल के तुम्हारा मन बदल जाए तो इससे हमें कॉन्टेक्ट कर लेना। कियो को वापस सही सलामत उसके लोकेशन पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ उसे अपने वाइफ के बारे में एक बात तो पता चल गई थी कि जूलियन किसी का बुरा नहीं चाहती। वो और उसके सभी टेररिस्ट ग्रुप किसी की हेल्प कर रहे हैं जिससे कि वो अपने घर वापस पहुंच जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद कियो अपने कजिन के घर पर जाता है जो मिलिट्री पार्लियामेंट में काम किया करता था। कियो ने अपने कजिन को सिर्फ इतना बताया था कि मुझे कुछ लीगल पेपर्स चाहिए क्योंकि हमारे किसी रिलेटिव को इस देश से बाहर जाना है। ये रीजन बताकर कियो ने अपने कजिन से वो सारे लीगल पेपर्स बनवा लिए थे और वो पेपर्स को जूलिया को लाकर दे देता है, जिससे कि जूलिया इतने समय बाद अपने हस्बैंड पर भरोसा कर पा रही थी। अब जूलिया कियो को लेकर एक कार के अंदर आ जाती है जिसके अंदर की नाम की लड़की बैठी थी। ये वही लड़की होती है जिसके लिए सारे पेपर्स बनाए जा रहे थे और उसे दूसरे देश में ट्रांसफर किया जा रहा था। वहाँ पर तो जूलिया के और भी कई सारे टीम मेंबर्स मौजूद थे। उन्हें अब अपने बेस कैंप में पहुंचना है जहां पहले से काफी सारे रेफ्यूजीज या फिर दूसरे देश से आए हुए लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए वो सभी कार में बैठकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे, लेकिन बीच रास्ते में मौजूद बस्ती में रहने वाले कई सारे लोगों ने उनकी कार पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। जूलिया अपने कार वालों को कहती है कि जल्द से जल्द हमें दूर लेकर जाओ, लेकिन उन सभी बस्ती वालों के पास हथियार भी मौजूद थे जो लगातार हमला करने लगे। उनमें से एक गोली डायरेक्टली जूलिया को आकर लग जाती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये हुई कि जूलिया तुरंत ही मर गई। इस बात से कियो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। भले ही वो दोनों अलग हो चुके हों, लेकिन कियो जूलिया से हमेशा प्यार करता था। अब जंगल की एक दूसरी जगह पर आने के बाद जूलिया की डेड बॉडी को उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ दिया। वो सभी लोग निकल पड़ते हैं उस अड्डे की तरफ जहां बाकी लोग मौजूद थे। ये वो जगह होती है जहां दूसरे देश से आए हुए सभी लोग फंस चुके हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे। अब जूलिया जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लीडर थी, उसके जाने के बाद लियुक नाम के एक दूसरे आदमी को लीडर बना दिया जाता है। यानी कि अब इन सारी रेफ्यूजीज को अपने घर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी ल्यूक के ऊपर है। वही सारी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेगा। अब यहाँ की नाम की वो लड़की जिसे कि देश के बाहर भेजना था, वो कियो को अपने पास बुलाती है क्योंकि उसे कुछ बातें करनी थी। की कह रही थी कि जूलिया ने मुझसे बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ कियो पर भरोसा करूं, बाकी किसी के ऊपर भी मुझे आग बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसका मतलब यह है कि जूलिया खुद चाहती थी कि कियो की मदद करे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। की ने कहा कि तुम मुझे किसी भी तरीके से टुमारोलैंड नाम की एक शिप पर भेज दो जो मुझे एक दिन के अंदर अपने दूसरे देश में पहुंचा देगी। लेकिन जब की ने ये बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तब कियो पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि उस लास्ट केस के बाद जब एक बच्चा हुआ था तब से अर्थ पर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई होती। जब ये बात ल्यूक और बाकी सारे लोगों को पता चलती है तब वो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। और तब जाकर कियो को रियलाइज हुआ कि वो सारे बस्ती वाले और कम्युनिटी के लोग की को मारने के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि की जो कि प्रेग्नेंट है वो उनकी कम्युनिटी में शामिल होकर उनकी जनसंख्या बढ़ाए। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से की प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। कियो ने तो ये सोच लिया था कि वो की मदद करेगा दूसरे देश में पहुंचने के लिए, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ जो अब इस दुनिया में नहीं है, जूलिया ने ही उसके ऊपर भरोसा किया होता है, और कियो उस भरोसे को टूटने नहीं देगा। अब रात के समय कियो जब ल्यूक के कमरे से गुजर रहा था तभी वो चोरी चुपके कुछ आवाज सुनता है। ये तो ल्यूक था जो सामने से कन्फेस कर रहा होता है कि वो मैं ही हूँ जिसने जूलिया पर हमला करके उसकी जान ली, क्योंकि ल्यूक इस पूरे ग्रुप का नया लीडर बनना चाहता था। और अब ल्यूक की को अपने कब्जे में करके जो प्रेग्नेंट है उसे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करेगा। कियो को तो पूरी तरीके से ल्यूक के इंटेंशंस के बारे में पता चल गया था, जिसे वो तुरंत जाकर की को सब कुछ बता देता है। कियो ने अब की की प्रोटेक्शन के लिए उसे अपने साथ ले लिया और कहीं दूर जाने लगा। हालांकि ल्यूक के बाकी लोग उसकी कार का पीछा करते हैं, लेकिन कियो ने कार एक भी बार नहीं रोकी और उसे आगे बढ़ाता ही गया। कियो तो अब उन सभी की जान बचाने के लिए जैस्पर के घर आ जाता है। जैस्पर तो सबसे पहले उन सभी लोगों को मजेदार खाना खिलाता है, क्योंकि कई दिनों से उन लोगों ने कुछ नहीं खाया था। अब कियो ने जैस्पर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होती है कि कैसे की प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसे सही सलामत यहाँ से बाहर लेकर जाना ही पड़ेगा। तब जाकर की के साथ मौजूद एक लेडी ये बताती है कि टुमारोलैंड नाम की वो स्पेसशिप एक हॉस्पिटल है जहाँ पर अभी भी इंसानों का इलाज किया जाता था, और ये शिप हमें एक देश से दूसरे देश तक लेके भी जा सकती थी। इसीलिए अब की को सही सलामत किसी भी तरीके से शिप के अंदर लेकर जाना ही होगा। अब खाना खाने के बाद जैस्पर अपनी गैराज से एक कार लेकर आ जाता है। दरअसल उसने कियो और बाकी लोगों को बताया कि मेरी एक कॉन्टैक्ट में सोल्जर मौजूद है जो मुझसे ड्रग्स लिया करता है और मैं उसे हमेशा ड्रग्स दिया करता हूँ। वो तुम्हारी मदद करेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। दरअसल वो सोल्जर तुम सभी को एक रेफ्यूजीज की तरह गाड़ी में पकड़ कर लेकर जाएगा और बॉर्डर पार करा देगा जिससे कि बाकी लोगों को शक ना हो। इसीलिए कियो और बाकी लोग तैयारी करने
लगे थे जिससे कि वो यहाँ से निकल जाएं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही जैस्पर जब अपने सीसीटीवी कैमरास के ऊपर देख रहा था, तब पता चला कि उसके घर के पास वही बस्ती के लोग आ चुके हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होकर की को ढूंढ रहे थे। ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसीलिए जैस्पर ने कियो से कहा कि तुम बाकी लोगों को लेकर कार में बैठ के उसी सोल्जर के पास चले जाओ। कियो फिलहाल के लिए कुछ नहीं सोचता और की के प्रोटेक्शन के लिए वो उन्हें लेकर निकल जाता है। जैस्पर तो अपनी पैरालाइज्ड वाइफ के साथ घर के अंदर ही मौजूद था। उसे ये समझ में आ चुका होता है कि बस्ती वाले अगर उन्हें पकड़ेंगे तो दोनों को भी मार दिया जाएगा। इसीलिए वो आखिरी बार अपनी वाइफ को प्रपोज करता है और उसे भारी मात्रा में ड्रग्स का डोज दे देता है, जिससे कि जैस्पर की वाइफ थोड़ी देर तक तड़पते हुए मर चुकी थी। कियो भले ही की और उसके रिलेटिव्स को लेकर कार में दूर आ चुका था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा होता है जैस्पर के लिए, इसीलिए वो उनके पास देखने आ गया। उन ग्रुप्स के सभी लोगों ने अब जैस्पर को अपने गन पॉइंट पर ले लिया था और अगले ही मोमेंट में उन्होंने शूट भी कर दिया, क्योंकि जैस्पर की लोकेशन का पता नहीं बता रहा था। कियो को इस बात से बहुत बुरा लगता है क्योंकि जैस्पर ने हम सभी की जान बचाने के लिए अपनी वाइफ और अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अब कियो को किसी भी तरीके से की जान बचाकर उसे सेफ जगह पर पहुंचाना है। इसीलिए वो कार के अंदर बैठकर निकल पड़ा था उस सोल्जर के पास। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें वो सोल्जर मिल जाता है जो जैस्पर का आदमी था और उससे ड्रग्स लिया करता था। कियो ने तो जैस्पर द्वारा बताए गए पासवर्ड को उसके सामने बोल दिया होता है, जिससे कि सोल्जर सब कुछ समझ गया था और वो उन्हें एक वैन के अंदर बिठाकर दूर लेकर जाने लगा। सोल्जर तो उन्हें एक मिलिट्री कैंप के अंदर लेकर आ गया होता है जहां उनके रहने का पूरा इंतजाम था, और अब अगले दिन ही वो उन सभी को बॉर्डर के उस पार छोड़कर आ जाएगा। कियो की और उसके साथ मौजूद सारे रिफ्यूजीज को एक बस में बिठाकर कहीं दूसरी तरफ लेकर जाया जा रहा था। कियो को लग रहा होता है कि शायद इस तरीके से वो सब बच जाएंगे, लेकिन तभी अचानक की को बहुत ही ज्यादा लेबर पेन होने लगा। बस में बैठे हुए सारे रिफ्यूजीज को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि की प्रेग्नेंट है। कियो ने इसीलिए नहीं बताया होता ताकि की जान को खतरा न हो। लेकिन थोड़ी दूर पर एक चेक पॉइंट आता है जहां पर एक सोल्जर गाड़ी के अंदर घुस गया था। वो सोल्जर तो सभी की चेकिंग कर रहा होता है कि कोई अपने साथ इलीगल सामान तो नहीं लेकर जा रहा, और अगर उसे की के बारे में पता चल गया तब वो उन्हें उठा कर लेकर जाएंगे। इसीलिए की के साथ मौजूद एक लेडी उसे बचाने के लिए खुद के पास एक गन ले लेती है, जिसने कि सोल्जर को मारने की भी कोशिश की। इसीलिए वो सारे सोल्जर्स उस दूसरी लड़की को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इससे उनका ध्यान की के ऊपर से हट गया था, जिससे कि बस तुरंत ही वहां से चलने की वजह से कियो और की बच जाते हैं। की को अंदाजा लग गया था कि शायद वो सारे लोग उनकी रिलेटिव वाली आंटी को पूरी तरीके से मार देंगे, लेकिन अब वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन दोनों को मेरिका नाम की एक लेडी मिलती है जो कियो और की को रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड कर रही थी। की का लेबर पेन इतना ज्यादा बढ़ गया होता है कि कियो को ही हेल्प करनी पड़ी उसकी डिलीवरी कराने के लिए, और अब बहुत ज्यादा दर्द झेलने के बाद की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को जन्म देती है, और वो दोनों ही एकदम सही सलामत थे। अब तो उस जगह पर वही सोल्जर आ जाता है जिसने कि सभी को बस में बिठाकर रेफ्यूजीज कैंप में लेकर आया था। पर उस सोल्जर ने जैसे ही देखा कि की ने एक लड़की को जन्म दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। उसने तो सभी को गन पॉइंट पर ले लिया होता है और उन्हें नीचे जाने के लिए कह रहा था। सोल्जर की भी नीयत बदल चुकी थी और वो चाहता था कि ये लड़की मेरे साथ रहे जिससे कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ते रहे। लेकिन अमेरिका ने एक अच्छा मौका देखकर उस सोल्जर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उन सभी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद अमेरिका जल्द से जल्द उन दोनों को एक सेफ जगह पर लेकर आ गई थी। वहां पर वो सब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अब तो उनके लिए एक बोट का भी इंतजाम कर दिया गया था जो उन्हें एक बहुत ही बड़ी बोट टुमारोलैंड तक लेकर जाएगी, लेकिन अब उन्हें किसी भी तरीके से समुद्र के किनारे पहुंचना है, जो इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि बाहर की तरफ सभी ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। और अब तो लियोक और उसके सभी आदमी भी कियो और की के पीछे पड़े हुए थे। वो सब जैसे ही कियो और की को देखते हैं तभी लियोक के सभी लोगों ने उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। लियोक तुरंत ही की को पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। कियो और अमेरिका इतनी आसानी से हार नहीं मानते, उन्होंने की का लगातार पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। पर उस जगह पर वो सारे लोग भी मौजूद होते हैं जो की के बच्चे को अपने बस्ती में शामिल करना चाहते थे। उन सभी बस्ती वालों ने तो ल्यूक के लोगों पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कियो और अमेरिका को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो दोनों छुपते छुपाते हुए एक बिल्डिंग की तरफ आ गए थे जहां कई सारे रेफ्यूजीज छुपे हुए होते हैं। कियो तो अमेरिका को एक सेफ जगह पर छोड़कर की को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। हालांकि उस बिल्डिंग के अंदर भी कई सारे टेररिस्ट आ रहे थे, लेकिन कियो उन सभी से बचता हुआ आगे बढ़ता ही जाता है। तभी कियो को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो उसे लगातार फॉलो करते हुए की के पास पहुंच जाता है। की अपनी बेटी को लेकर एक कोने में छुपी हुई थी। कियो तो लगातार उसकी मदद कर रहा था वहां से बाहर निकलने के लिए।
कियोकी को लेकर एक जगह से आगे बढ़ ही रहा था तभी उनके सामने ल्यूक आ जाता है जिसने कि तुरंत ही उनके ऊपर गन पॉइंट कर दिया। हालांकि एक समय पर जब ल्यूक ने की के हाथ में वो छोटी बच्ची को देखा तब वो थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने फायर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छी बात तो ये होती है कि कियो तुरंत ही वहां से भाग कर एक दूसरी तरफ आ गया, पर अब बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी के सभी लोग उन्हें देखने लगे थे। यहां ताज्जुब की बात यह होती है कि इस बार सभी लोग की को पकड़ नहीं रहे थे बल्कि वो तो की के हाथ में मौजूद उसका बच्चा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और वो सब की को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दरअसल उन्हें लग रहा था कि यही लड़की है जो हम सभी को बचा सकती है, जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर वापस से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए वो सब की को आगे बढ़ने का रास्ता प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों बाहर मिलिट्री वालों के पास आते हैं तब सभी लोगों ने फायरिंग करना बंद कर दिया क्योंकि उनके अंदर भी की के बेटी को देखकर एक होप जागने लगी जिससे इंसानी सभ्यता बचाई जा सकती है। लेकिन कियो और की जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ने लगे ल्यूक और बाकी सोल्जर्स ने हमला करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये दंगे फसाद इस तरीके से रुकने नहीं वाले। अच्छी बात तो ये हुई कि कियो को मेरिका मिल जाती है और वो उन्हें लेकर एक सेफ जगह पर जाने लगी। मेरिका दोनों को एक छोटी बोट पर बिठा देती है और टुमारोलैंड वाली शिप की तरफ जाने के लिए कहती है। हालांकि कियो मेरिका को भी आने के लिए कह रहा था लेकिन मेरिका ने कहा कि तुम सबसे पहले की जान बचाओ। दोनों जल्द से जल्द छोटी सी नाव पर बैठकर उस चेक पॉइंट की तरफ जाने लगे थे जहां वो बड़ी सी शिप आने वाली थी। कुछ देर के अंदर ही वो चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं लेकिन वो टुमारोलैंड वाली बड़ी सी शिप वहां पर मौजूद ही नहीं थी। कई देर तक वेट करने के बाद भी शिप नहीं आती जिससे की को लगने लगा कि शायद हमने देर कर दी और वो शिप यहां से चली गई है। पर कियो समझाता है कि हमें थोड़ा सा सब्र करके काम लेना पड़ेगा। की देखती है कि उनके बूट पर बहुत सारा खून मौजूद है। तब जाकर ये बात रिवील होती है कि कियो को एक गोली लगी है जिसे कि ल्यूक ने मारा था और ये खून तो उसी का है। आसमान में कई सारे फाइटिंग जेट्स लगातार शहर की तरफ बढ़ रहे थे और हमला कर रहे थे क्योंकि दंगे फसाद को रोकने का सिर्फ यही एक तरीका था। यहाँ की छोटी बेटी रोने लगती है जो शांत ही नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ कियो ने की को अच्छा तरीका बताया उसे शांत करने का और वो छोटी बच्ची सच में शांत भी हो जाती है। की ने अब अपनी बेटी का नाम सोच लिया था जो और कुछ नहीं बल्कि कियो और जूलिया के बच्चे का नाम होता है। कियो को जब ये बात पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे लगने लगा कि ये उसका ही बच्चा है। इस समय कियो को अपने वाइफ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर वो बड़ी सी शिप जिसका नाम टुमारोलैंड था वो आ गई होती है, जहाँ कई सारे लोग थे जिन्होंने अब कियो और की के उस छोटी सी नाव को देख लिया था और अब वो सारे लोग कियो और कियो को अच्छी तरीके से रेस्क्यू कर लेते हैं। कहानी के अंत में हमें कई सारे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई जाती हैं, जिससे कि हमें अंदाजा लग चुका था कि की अब बच चुकी है और उसने ही इतने सारे फर्टाइल बच्चों को जन्म दिया है। धीरे धीरे पॉपुलेशन में जो कमी आ रही थी वो बढ़ने लगी और अब जाकर पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग काफी अच्छी तरीके से ग्रो करने लगे और कंडीशंस पहले जैसे हो गए, यानी कि कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए हमें होप नहीं हारनी चाहिए, आखिर उसका कुछ न कुछ सोल्यूशन तो मिल ही जाता है। और इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।